आपने थिएटर किया है, साउथ में फिल्में की है, सुपर हिट फिल्म है, तो क्या कहना चाहेंगे ये फिल्म आपके पास कैसे आई और मधुर जी ने आपको कैसे अप्रोच किया इस फिल्म के लिए? मैं आप अगर ये होता जो आपने भी बोला कि मधुर जी ने मुझे अप्रोच किया होता तो मैं आज कहीं और होती, सातवें आसमान पे ये बात से ही। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मधुर जी मुझे अप्रोच करते, मैंने अप्रोच किया मधुर जी को। और दरअसल हुआ ये कि मैंने मधुर जी के जो मैनेजर हैं नीरज गुप्ता जी, उनको मैं एक फ्रेंड के थ्रू मिली थी। और उस टाइम पे मुझे हालांकि कैलेंडर गर्ल्स फिल्म के बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि एक 1.5 साल पहले उसके मतलब जब कास्टिंग उन्होंने शुरू की उसके भी 1-1.5 साल पहले उन्होंने कहीं अनाउंसमेंट की थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि फिल्म बन रही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मधुर जी जो है वो 5 नई लड़कियों की तलाश में है, तो वाई डोंट यू ट्राई। सो आई सेड ठीक है, आप मुझे मिलवाइए। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया और मैं मधुर जी को मिली, और मधुर जी ने मेरे पिक्चर्स देखे और उनको काफ़ी पसंद आए मेरे फोटोग्राफ्स। लेकिन ये फिल्म के अंदर उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ अच्छी खूबसूरत लड़की की नहीं थी, एक अच्छे परफॉर्मर की भी उनको तलाश थी। सो मधुर जी ने बोला कि ठीक है अपनी, तुम्हारे पिक्चर्स तो काफ़ी अच्छे हैं बट वी आर लुकिंग फॉर गुड परफॉर्मर, तो हम आपका एक ऑडिशन लेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि फिर आगे कैसे करना है। सो आई वॉज वेटिंग कि भी उनका ऑडिशन का कॉल आएगा, तो अराउंड 15-20 डेज लेटर दे कॉल मी फॉर द ऑडिशन। एंड आफ्टर 2 राउंड्स ऑफ ऑडिशन आई वॉज थ्रू विद द फिल्म। एंड लेटर ऑन आई केम टू नो, मुझे पता चला कि तकरीबन 1500 लड़कियों का ऑडिशन लिया गया था फिल्म के लिए, और उनमें से उनकी जो पूरी टीम थी मधुर जी की, उन लोगों ने काफ़ी लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया और उनके बाद उनको ऑडिशन के लिए बुलाया। फर्स्ट ऑडिशन के बाद वापस लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसके बाद सेकंड ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। तो उस तरह से उन्होंने 5 लड़कियों को चुन के निकाला था, एंड मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैं उन 5 में से 1 हूँ। तो दिस इज़ हाउ दिस फिल्म हैपन टू मी, एंड दिस डिडंट हैपन ओवरनाइट। ऐसा आपको लगता है कि मधुर जी ने मुझे अप्रोच किया होगा और बोला कि अपनी प्लीज़ मेरी ये फिल्म कर लो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तकरीबन 2 महीना लगा मुझे ये पूरा प्रोसेस जो था वो क्लियर करने में। अच्छा, जो है 5 लड़कियां हैं फिल्म में वो तो सबको पता है और टीजर भी लोगों ने देख ही लिया है और आपको सबको कैसा लगा पसंद। टीजर ही बताओ। जी, बहुत ही अच्छा टीजर है। तो आपका जो किरदार है उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का किरदार निभाने वाली है आप? मेरे कैरेक्टर का नाम है नाजनीन, नाजनीन खालिद इन द फिल्म, एंड आई एम द ओनली मुस्लिम गर्ल इन द फिल्म। और एज यू कैन इमेजिन के मुस्लिम परिवार से आती हुई, एक रिजर्व फैमिली से आती हुई एक लड़की का कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ। तो बट द कैरेक्टर विच आई एम प्लेइंग नाजनीन, शी इज़ वेरी बोल्ड एंड शी इज़ वेरी फ्री गर्ल, आई मीन फ्री स्पिरिट गर्ल, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल शी इज़। उसको अपने लाइफ के साथ कैसे करना है, अपने टारगेट कैसे अचीव करने हैं वो उसको पता है, एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी अट्रैक्टिव गर्ल। बट द ब्रूटल रियलिटी ऑफ लाइफ एंड द रिलीजन जो होता है उसके साथ उसको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारी हर्डल्स है जो उसको फेस करनी पड़ती है, एंड दैट इज़ हाउ हर जर्नी बिगिंस। तो एक है कि कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से आती हुई लड़की का एक कैरेक्टर है, तो कैसे वो ओवरकम होती है और कैसे वो अपनी ज़िंदगी में क्या मुकाम हासिल करती है और कहाँ उसको जाना होता है और कैसे वो सब डिफ़िकल्टीज के बावजूद वो अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करती है, दैट इज़ वॉट ऑल अबाउट इन द फिल्म।